राजस्थान के दौसा जिले में 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड के लोकार्पण कार्यक्रम पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुटकी ली है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो पिछले दिनों श्रीगंगानगर में हुए एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां पायलट ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली से मुंबई सड़क जा रही है, भाजपा को उद्घाटन करने के लिए दौसा जिला ही मिला है। पायलट ने कहा कि उनको भी मालूम है कि जहां हमारी पार्टी और हम लोगों का गढ़ है, वहीं जाकर दस्तक देनी है। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी मीटिंग कर लो, कितने भी फीते काट लो, कितनी भी घोषणाएं कर लो, लेकिन जनता और मतदाता अपने और पराए का फर्क करना जानती है। जनता को मालूम है कि कौन हमारे लिए जीने मरने को तैयार है और कौन वोट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर पायलट ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि 4 साल से आपने मुड़कर नहीं देखा। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के आपने 5 साल पहले वादे किए थे, वो आपको याद भी नहीं आए। पिछले दिनों धनावड़ में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजस्थान में पानी की समस्या का समाधान करना भाजपा की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इसके प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार से साझा भी किया गया है। इस परियोजना को नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने प्राथमिकता में शामिल किया है। जब दोनों राज्यों यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाने का जरूर विचार करेगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित नवल किशोर शर्मा और राजेश पायलट के वक्त से ही दौसा जिले को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट भी दौसा से सांसद रही हैं। वर्तमान में जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त भी मिली थी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य में चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बार बार राजस्थान आने पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि ये दोनों नेता 4 साल तक कहाँ थे। उन्होंने दावा किया कि ये लोग चुनाव खत्म होते ही फिर गायब हो जाएंगे। गंगानगर में संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि फरवरी का महीना है, चुनावी साल है, कभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं और ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो, चुनाव आए हैं तो आप मजहब धर्म की बात करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर से यहां से गायब हो जाएंगे। हम लोग जो यहां बैठे हैं आपके सुख दुख के साथी हैं। इसके साथ ही पायलट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों पर की गई छापेमारी पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।